हेलो दोस्तों, शनि मूड में आपका स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड तथा फॉरेस्टर से संबंधित काफी अभ्यर्थियों ने पूछा कि सर इसका भर्ती कैसे होता है, कब तक नई भर्ती देखने को मिलेगा, कितना समय मिलता है रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए और पूरा प्रोसेस में कितना समय लगता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दीजिए सर, एज इसमें क्या मांगता है, क्या बिहार पुलिस से डिफरेंट इसमें एज होता है, ये सभी जानकारी मैं इस छोटे से वीडियो में आपको देने वाला हूँ। फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर यानी वन रक्षक वनपाल दोनों के बारे में बताऊंगा, कब से भर्ती इसका स्टार्ट हुआ है और क्या मैंने इसका एग्जाम दिया है, और मैंने एग्जाम दिया है तो कहाँ एग्जाम देने गया था, ये सभी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा कि फॉरेस्ट गार्ड के जो नई भर्ती के इंतजार लड़के कर रहे हैं वो अपने तैयारी में अभी से लग जाइएगा। इसका एग्जाम थोड़ा अलग होता है बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम से, ठीक। एग्जाम का पैटर्न भी अलग होता है और क्वेश्चन का लेवल भी अलग होता है। तो कैसे सभी प्रोसेस होता है सभी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नीतीश जी के पार्टी के द्वारा ही ये चीज आपको आपको जो दिया गया, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 78,000 पुलिस कर्मियों को 6 माह के अंदर बहाल किया जाएगा। ये आपको इनके आपको देखिएगा कि ये मिलेगा इनके, जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट से या आप देखिएगा ट्विटर पर या हर एक जगह देखिएगा कि इस चीज का आपका प्रचार किया जा रहा है, ठीक। बाकी आप देखिएगा लगातार नौकरी रोजगार और यहाँ पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में विभिन्न सेवाओं के लिए 801 पदों पर, यानी आपको 801 पद खाली है, इसका रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही रोस्टर क्लियरेंस कर आपकी भर्ती देखने को मिलेगा। ये भर्ती कौन कंडक्ट कराएगा? सीएसबीसी यानी फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर यानी वनरक्षक वनपाल का जो भर्ती कंडक्ट कराया जाता है सीएसबीसी द्वारा। तो ये कि सर जी इतना ही सीट है, हमेशा याद रखिएगा बिहार में वन का प्रतिशत बहुत ही कम है, 7 से 8% है। इस हिसाब से जो वनरक्षक का पद होता है या वनपाल का पद होता है वो भी लिमिटेड होता है, लेकिन जॉब बहुत जबरदस्त होता है। सभी चीजें मैं आपको जानकारी दूंगा और आप देखिएगा कि आपको यहाँ पर जब ये प्रचार के माध्यम से आ गया तो समझ जाइए कि अब आपकी तैयारी में लग जाना चाहिए। एज में क्या छूट मिलेगा क्या नहीं होगा वो आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार में इस विभाग में 1825 पद खाली, असल में 1825 नहीं है, इनसे कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हो चुका है, 1801 पद खाली है। और 1801 पद में कौन कौन सीट है, किस कैटेगरी में क्या चीज है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग न्यूज पेपर में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा कि डॉक्टर प्रेम कुमार ने ये बातें बताया है, क्योंकि इस यही मंत्रालय इन्हीं के पास में है तो डॉक्टर प्रेम कुमार ने ये बात ये बताया है, ठीक। आप देखिएगा टोटल विभाग के जो कैपेसिटी है, ये स्वीकृत पद जो है ये आप देखिएगा, यानी कि आपको 3644 है, यानी टोटल 3644 पोस्ट है इसमें। आप देखिएगा ये जो जिसमें आप ये विभाग आता है वनपाल, वन रक्षक, लिपिक, निम्न वर्गीय, उच्च लिपिक, वर्गीय लिपिक, ये सभी जो है यानी डॉक्टर प्रेम कुमार इनके मंत्री बनाए गए हैं और इनके अंतर्गत ये आता है, ठीक। स्वीकृत पद जो है ये 3644 है, इसमें से आप देखिएगा कि क्षेत्र पद अधिकारी के 156 पद जो है, यानी कि वनपाल के लिए 614 पद है, वनरक्षी के लिए 2375 पद है, निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 176 पद है, उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 87 पद है और प्रधान लिपिक के लिए 45। तो हम लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको यहाँ पर ध्यान देना है। हमको क्या ध्यान देना है, तो ये जो आएगा ये आपको बीपीएससी से आ सकता है, यानी कि ये जो है बीपीएससी से आ सकता है और कुछ बीपीएससी का बीपीएससी से आता है, यानी दरोगा वाला आप देखोगे उस तरीके से आपको आता है और कुछ आपको बीपीएससी से आता है। हमको ज्यादा ध्यान किस पर देना है, वनपाल पर। वनपाल पर आप देखिएगा पिछला भर्ती भी हुआ था तो ये 614 हो गया वनपाल आपका, जो कि टोटल, ये मैं बता रहा हूँ टोटल जो पोस्ट है। और उसके बाद देखिएगा वनरक्षी, वनरक्षी जो होता है वनरक्षी पर टोटल देखिएगा 2375, ये टोटल का टोटल में सीट आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको देखिएगा पिछला जो बहाली हुआ था आपको वो हुआ था 03/2020 के अंतर्गत एक भर्ती हुआ था और 04/2020 के अंतर्गत एक भर्ती हुआ था, एक वनरक्षक का था एक वनपाल का था, ठीक। तो हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि आपको कि कौन सा भर्ती कब हुआ था, तो आप देखिएगा वनरक्षक की जो भर्ती हुआ था ये आपको 03/2004 के अंतर्गत 484 पोस्ट पर हुआ था और 04/2020 के अंतर्गत देखिएगा इसमें वनपाल के 236 पोस्ट पर हुआ था, यानी ये पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि ये 2020 का, पिछले साल नहीं, पिछले भर्ती का 2020 का, जब पार्शियल लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के समय था, ये भर्ती कंप्लीट किया गया मिड 2022 में, यानी इसलिए क्योंकि बीच में लॉकडाउन वाला जो प्रभाव आ रहा था उसके चलते ये आपको डिफर देखने को मिला है। अब इसमें आप देखिएगा टोटल कितना है वनपाल का, 614 पोस्ट है, इसमें से भर्ती पिछला बार जो आया था ये आपको 236 पर आया था, लेकिन अभी भी अच्छा खासा पोस्ट खाली है। तो कितने पोस्ट पर भर्ती आएगा वनपाल का और कितने पोस्ट पर वनरक्षक के आएगा, क्योंकि 2375 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 03/2023 के अंतर्गत 2020 के अंतर्गत 484 वनरक्षक हो जाएंगे अगर ये पोस्ट हो गया, और साथ में 902 पोस्ट हुआ था 2019 में, याद रखिएगा 902 पोस्टों पर आपको बहाली जो आया था ये 2019 में आपको बहाली आया था जिसमें हमने एग्जाम देने गया था और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था,
फिजिकल भी आपको अपना के चिड़ियाघर में होता है। इसका फिजिकल थोड़ा अलग तरीके से होता है, लंबा दौड़ आपको करना पड़ता है, दौड़ का पैदल चलना पड़ता है। और इसका मेरा एग्जाम पश्चिमी चंपारण में दिया था, उस समय इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, मुझे आज भी दिन याद है। बस में आदमी आया था उधर से, इधर से ट्रेन से गया था, उधर से बस से आया था, काफी भीड़ था। ये पहला भर्ती जो था जो कि सीएसबीसी लिया था, यानी सीएसबीसी ये पहला भर्ती लिया था, इससे पहले बीएसएससी लेता था। तो बीएसएससी का भर्ती आप देखिएगा 2014 में ही आया था, उसी के समय में ये पोस्ट आया था। तो बीएसएससी हटाकर ये फिर आपको सीएसबीसी को दे दिया गया, कहा गया कि नहीं ये जल्दी से भर्ती कंडक्ट कराएगा, सीएसबीसी ये भर्ती कंडक्ट कराता है 2019 से आप देखिएगा। तो वो 2019 में आप देखिएगा 902 पोस्ट के लिए हुआ था, एग्जाम मैंने दिया था और उसके बाद इस क्षेत्र में जाना नहीं था तो फिर एग्जाम हमने नहीं दिया। और फिर आप देखिएगा ये दोनों भर्ती आपको दिखाई देता है और इसमें आपको कम सीटें दिखाई देता है क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस आपको जितना हुआ था उतना ही होता है। अब हम देखते हैं कि कितने कर्मचारी कार्यरत है, तो यहाँ पर देखिए दोनों बात ध्यान में रखिए, ठीक। यहाँ पर एक याद रखिएगा कि टोटल अगर हम देखते हैं कैपेसिटी देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ, 344 है टोटल कैपेसिटी है और इसमें से काम कितना कर रहे हैं तो 1843 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1801 पोस्ट खाली है, 1800 टोटल एक पोस्ट खाली है, लेकिन इसमें फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर ये सब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कितना पोस्ट खाली था। टोटल अगर हम देखें वनपाल का देखें, जो कि आपको ये सभी इंटरमीडिएट पर आता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, वनपाल का देखें, सिलेबस की हम बात करेंगे लेकिन पहले सीट पर हम बात कर लेते हैं। अगर वनपाल का हम देखते हैं तो 614 अभी पोस्ट है, कुछ प्रमोशन से भी पोस्ट भरा गया था बाद में, और इसमें कार्यरत जो है 268 है, 268। इसमें से आप देखिएगा कि 236, ये 268 में से 236 लोगों का बहाली 2022 तक क्लियर कर लिया गया था, इसी में से आप देखो 268 में से देखिएगा, बाकी कुछ लोग प्रमोशन से गए थे, इन वन रक्षक वाले थे और प्रमोट कर कर आगे गए थे, ठीक। अब इसमें से आप देखिए 6 यहाँ पर हो जाएगा आपको, और यहाँ से आपका ये 6 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये या 3, यानी 346 के करीब पोस्ट खाली है। तो क्या 346 पोस्ट पर आपको आ जाएगा वनपाल का? नहीं, लगभग 300 के करीब आप देखिएगा ये वनपाल का पोस्ट आएगा, और बहुत ज्यादा है 300 के करीब। अब देखिएगा मैं क्या बताऊँ, परसेंटेज ही वन का बहुत कम है। उत्तराखंड देखिएगा, मध्य प्रदेश देखिएगा, यहाँ पर ज्यादा वनपाल का भर्ती आता है, वन रक्षक का भर्ती आता है, लेकिन यहाँ पर इतना पोस्ट ही कम है इसलिए। तो लगभग 300 के करीब आपको, 250 से 300 के करीब इस बार भी आपको भर्ती दिखाई देंगे, रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए भेज दिया गया है। साथ में आप देखिएगा ये तो रहा वनपाल का, अब एक आता है फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक होता है जिसे, जिसे क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट गार्ड कहा जाता है, वन रक्षक कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा इसे वन रक्षक कहा जाता है। टोटल वन रक्षक की सीटें कितनी है, तो यह है 375, 375 है। टोटल कार्यरत कितने हैं वन रक्षी में, तो 1262 है। 1262 कैसे हैं, इसमें से कुछ लोगों को प्रमोट कर कर वनपाल भी बना दिया गया था पहले के वन रक्षक का, और 902 पोस्ट आपको, और प्लस यहां पर देखिएगा कि 400 आपको कुछ पोस्ट पर जब 2022 में बहाली किया गया तो सभी लोग ज्वाइनिंग नहीं किए थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा, 484 पर सभी लोग ज्वाइनिंग नहीं किए थे। और टोटल अगर मिला लिया जाए तो इतना पहुंच जाता है, और कुछ लोगों को कुछ कारण से बाहर भी किया गया था वो अलग की बात है, कुछ लोग ज्वाइन भी नहीं किए थे, इसका मेडिकल भी ठीक ठाक होता है। तो इसमें से अगर हम देखें 3 हो जाएगा, और यहाँ से आप 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 1, यानी 1113 के करीब जो सीट है, ये आपको करीब कह सकते हो कि वन रक्षक यानी वन रक्षी में या फॉरेस्ट गार्ड जिसे कहा जाता है उसमें खाली है। आप कह सकते हो कि इतना सीट जो है इसमें खाली है, यानी कि 1113 के करीब। अगर 900 से 1000 भी सीट आ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहला जो भर्ती था फॉरेस्ट गार्ड का वो 902 पद पर था जो 2019 में था। उसके बाद 2020 में भर्ती आता है, फिर आप देखिएगा इसमें भर्ती आता ही नहीं है, रोस्टर क्लियरेंस जल्दी नहीं किया जाता है, लेकिन अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है इस कारण से। तो हम लोग को ज्यादा तो ध्यान देना है ये एसी पर, यानी वनपाल पर, जो सबसे जबरदस्त जो जॉब है, इसका रैंक एएसआई होता है, लेकिन इसमें स्टार 2 लग जाते हैं कंधे पर, ठीक। और फॉरेस्ट गार्ड बनते हैं तो आपको इंटरमीडिएट पर है, लेकिन एक स्टार लग जाता है, यानी ये आपको अलग ही, यानी कि वन के लिए जो सेवा दिया जाता है, फॉरेस्ट रूस्ट को बचाना होता है, इसका जॉब भी ठीक ठाक होता है, पेमेंट भी ठीक होता है, इसके लिए यह जॉब होता है, इसमें रहकर आप तैयारी भी आगे की कर सकते हो, ठीक। तो ये मैंने आपको हर एक डाउट क्लियर कर दिया। और रोस्टर क्लियरेंस हो रही है, आप देख लीजिए ये आपको क्या हो रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस हो रहा है किसका किसका, डॉक्टर प्रेम कुमार को जानकारी दी गई है कि वनों के क्षेत्र पदाधिकारी वनपाल और वनरक्षी निम्न वर्गीय लिपिक असुलिपिक और अमीन के नियुक्त हेतु संशोधित रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जा रही है। यानी कि साफ साफ रोस्टर क्लियर होने के बाद आप अलग अलग कैटेगरी वाइज पता चलता है कि कितना सीट है और वो सीट आ जाता है। तो इतना समझ लीजिए अब आपका काम में एकदम पूरी तरीका से आयोग जो है और इस विभाग लग चुके हैं, वन विभाग जो भी है, और ये आपको क्या करना है कि अपनी तैयारी में आपको लग जाना होगा। सबसे बेहतरीन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ज्यादा समय ये नहीं लेगा, जल्दी ही रोस्टर क्लियरेंस होगा और आपका भर्ती सीएसबीसी द्वारा देखने को मिलेगा, ठीक। ये भी आप कान खुलकर सुन लीजिए। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है, देखिए भर्ती के ऊपर तो हम लोग बात कर लिए, कुछ ही दिन और इंतजार कीजिए, फिर आपको जैसे रोस्टर क्लियरेंस होगा ये आयोग के पास भेजा जाएगा, भर्ती आयोग तुरंत अपना निकाल देगा। अब इसमें क्या क्या होता है, यानी कि नए अभ्यर्थी को ज्यादा इसमें मौका मिलता है, पुराने वाले अभ्यर्थी पर थोड़ा
कम मौका मिलता है। आपको पता है कि 2019 जो भर्ती आया था, 2020 के बाद भर्ती आया, ये जो है ये गृह विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, ये वन विभाग के अंतर्गत आता है, यानी कि ये गृह विभाग के अंतर्गत नहीं आता, याद रखें वन जलवायु विभाग के अंतर्गत ये आता है। और इस विभाग में 2020 के बाद कोई भर्ती आया ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि आयोग अगर सही अच्छे से काम कर रहा है तो सभी जो राज्य जो छूट दिए हैं इसमें, इसे भी देना चाहिए। और ये बात पहुंचाया गया, ऐसा चीज नहीं है कि आयोग नहीं जान रहा है, डिपेंड कर रहा है कि वो कितना छूट देता है। लेकिन आप देखिएगा ये अलग ही विभाग है, ये अलग विभाग है। 2020 लॉकडाउन के बाद आप देखिएगा भर्ती प्रभावित हुआ है, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आया है। हम यहाँ पर आप देखेंगे कि अभ्यर्थी के लिए क्या योग्यता चाहिए, पहले तो भारत के नागरिक होनी चाहिए और 10+2 करना चाहिए, आपको वनपाल के लिए भी और आपको वन रक्षक के लिए भी 10+2 चाहिए। तो इसके बाद आप देखिएगा मैट्रिक ये समक्ष के आपको जो प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपका एज काउंट किया जाता है। एज जो होता है ये आप देखिएगा ये किसके लिए है, ये वन रक्षक के लिए मैं बता रहा हूँ, यानी कि जिसमें ज्यादा सीट रहने वाला है, वन रक्षक होता है, वन रक्षक के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक नहीं, जिस फॉरेस्ट गार्ड कहा जाता है। न्यूनतम जो चाहिए यानी यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट वाले भी इसमें आ जाएंगे, यूआर के लिए आपको जो है 18 वर्ष चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम जो चाहिए 23 वर्ष, जो कट ऑफ डेट होता है उसके अनुसार ये पूछा जाता है, 23 वर्ष चाहिए होता है। फिर हम देखेंगे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी फर्स्ट और बीसी सेकेंड, इसे ओबीसी आप बिहार के ओबीसी कह सकते हो, और इनके क्या चाहिए 18 से लेकर 25 वर्ष चाहिए होता है, ठीक। बाकी आप देखोगे एससी के लिए और एसटी के लिए ये कितना चाहिए होता है, ये आपको चाहिए होता है 18 से लेकर 28 वर्ष, मेल फीमेल सभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको चाहिए होता है, यानी कि यहाँ पर आयु की सीमा यही चीज होता है, ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये आयु की सीमा जो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मैट्रिक के प्रमाण पत्र होता है उसी के अनुसार मिलाया जाएगा। बात रहा एज छूट मिलेगा कि सर जी नहीं मिलेगा, ये तो आयोग ही डिसाइड करेगा, लेकिन बहुत ये संभावना है कि कुछ ना कुछ एज में जरूर छूट मिलेगा, ठीक। अभ्यर्थी की जो शारीरिक मापदंड है यानी पुरुष के लिए देख सकते हैं, पुरुष के लिए क्या मापदंड होना चाहिए, तो निम्नतम ऊंचाई जो होना चाहिए एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है, बाकी सभी के लिए 165 सेंटीमीटर। यहाँ पर कान खुलकर ये बात समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर जो आपको ईबीसी होते हैं उनका आपको याद रखिएगा 160 सेंटीमीटर नहीं मांगता है, उनका भी 165 सेंटीमीटर मापता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये नहीं मापता है जैसे बिहार पुलिस में होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, तो ये आप कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले न्यूनतम ऊंचाई कितना चाहिए आपको एससी एसटी के लिए, सिर्फ 160 सेंटीमीटर है, बाकी जो मेल कैटेगरी है 165 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना आपको बिना फुलाए 39 है, मतलब माफ करना 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 81 सेंटीमीटर है। सीना का न्यूनतम फुलाव आपको 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और पैदल चलने की क्षमता होनी चाहिए। फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद मेरिट लिस्ट होता है, पहले रिटेन होता है, रिटेन पर ही मेरिट लिस्ट ऐसे आता है, और उसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल पासिंग होता है। तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको मेल कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी उनको चलना होता है, कोई भी कैटेगरी हो 4 घंटे में 25 किलोमीटर आराम से चल जाओगे। चिड़ियाघर में इसका आपका फिजिकल होता है, आराम से चल जाओगे, बीच बीच में कभी कभी मन करे तो दौड़ते रहो, कभी कभी चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको चलने का एक्सपीरियंस है तब। तो इसका प्रैक्टिस आप इसका रिजल्ट आने के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका रिजल्ट आने के बाद भी, फिजिकल कोई खास इसमें होता नहीं है, लगभग लोग पास ही हो जाते हैं, ठीक। महिला आप देखोगे फिट मारता है, गर्मी के दिन में अगर फिजिकल लेता है तो फिट मार देता है, लेकिन आपका प्रैक्टिस होगा तो कोई दिक्कत होगी। महिला अभ्यर्थी में देखेंगे न्यूनतम जो ऊंचाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, यानी किसका, तो एससी एसटी का, एससी का और एसटी का, ये महिला अभ्यर्थी के लिए। और अन्य के लिए कितना 160 सेंटीमीटर, ध्यान में रखिएगा बिहार पुलिस में सबके लिए 165 सेंटीमीटर है, लेकिन ये फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर दोनों में आप देखिएगा कि महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है ये आपको एससी एसटी के महिला अभ्यर्थी 155 सेंटीमीटर है और बाकी सभी महिला अभ्यर्थी 107 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इनको भी पैदल चलना पड़ता है, रिटर्न के बाद जब फिजिकल वाला डेट आएगा तो इनको 4 घंटा में 14 किलोमीटर चलना होता है, जितने भी फीमेल वाले हैं आपको 4 घंटा में 14 किलोमीटर चलना होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसका देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया में पहला जो होता है एग्जाम होता है, और एग्जाम जो होता है ये आप 10th और 11th 12th पैटर्न पर आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर तो दिया हुआ इंटरमीडिएट लेवल से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, लेकिन आप देखोगे क्वेश्चन में जब कराऊंगा तो आप देखिएगा 10th और 11th लेवल का क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ठीक। तो प्रश्न पत्र 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है, इसको 4 भाग में ये रहता है, 4 भाग में इसे क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है, प्रत्येक एक क्वेश्चन पर 4 अंक मिलता है, और अगर गलती करते हो यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं तो इसमें आपको 4 से गुणा करोगे तो ये 400 अंक का होता है, लेकिन इसमें निगेटिव भी होता है। निगेटिव कितना होता है, निगेटिव जो होता है 1/3 होता है, यानी गलती करोगे तो 1/3 होता है। और मेरिट किस पर बनेगा, यही आपको रिटेन का जो मार्क्स होगा फिजिकल देने के बाद इसी पर आपका मेरिट बनता है, यानी बिहार पुलिस सीएसबीसी द्वारा पहला ऐसा भर्ती जो मेरिट बनता है रिटेन पर वो है फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ठीक।
इसमें देखिएगा जो चार भाग में होता है, ये पहला भाग जो होता है जीके करेंट अफेयर का होता है, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों की संख्या 30 होती है, यानी 120 नंबर का ये होता है, ठीक। दूसरे भाग में 25 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो कि 10वीं स्तर के होते हैं, ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर लोगे, ठीक। तीसरा जो क्वेश्चन आपको तीसरा भाग होता है, ये 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सामान्य विज्ञान से, यानी खासकर ये जो 25 क्वेश्चन होते हैं ये साइंस से, यानी आप देख सकते हो इसमें साइंस का बोलबाला अच्छा खासा है, मैथ का भी, ठीक। और ये जो मैथ वाला है, ये भाग जो टू है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, 10th लेवल का क्वेश्चन होता है, जैसे इस बार के बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। तो ये 25 प्रश्न आपको जो होते हैं ये साइंस के होते हैं, और साइंस भी कोई एक दो क्वेश्चन डिप में जाता है बायोलॉजी में, जो 11th तक चला जाता है। अगर 11th तक आप पढ़ लिए तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कोई दूर राय नहीं है, ठीक। भाग एनसीईआरटी 11th तक आपको हो। तो ये भाग चार में क्या होता है, इसका होता है हिंदी भाषा, यानी हिंदी भाषा में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी हिंदी से आपको प्रश्न पूछे जाता है, इसमें से पैसेज भी दिया रहेगा और उसमें से भी क्वेश्चन निकालकर आपको पूछेगा, तो आपको बनाना होता है, जैसे इस बार के बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक। तो टोटल चार भाग में होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बता दिया, पहले जीके करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन है, मैथ से आपको 25 क्वेश्चन है, साइंस से 25 क्वेश्चन है, और हिंदी से आपका कितना है, 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल आपको 10th लेवल का ही आपको होता है हर एक सब्जेक्ट में देखा जाए तो, हाँ साइंस में थोड़ा 11th में चला जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए, साइंस में जैसे किस में बायोलॉजी में थोड़ा 11th में चला जाता है, डिप थोड़ा पढ़ना पड़ता है, बहुत मस्त क्वेश्चन पूछता है, मैं जब क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आप खुद ही देख लीजिएगा, यूट्यूब पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। हर एक क्वेश्चन को मजा से आप लोग करोगे, ठीक ना। इसमें जो है कि जो दिए गए गद्यांश को समझना होता है, हिंदी में जो क्वेश्चन भी पूछता है, शब्दों का प्रयोग और हिंदी व्याकरण से, ये सभी चीज आप पढ़े हुए हैं रिसेंट समय में, तो भर्ती आएगा तो उसका फायदा भी आप उठाइएगा। तो ये जो है ये आपको मैंने बताया, ये किससे संबंधित है, ये जो तुम्हारा है ये फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित है, यानी इसमें आप देखोगे कि ऋणात्मक अंक है इसमें, यानी निगेटिव आपको है, 1/3 निगेटिव है। चलो वनपाल के बारे में देख लेते हैं, हम लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड का देखा, फॉरेस्ट गार्ड में मैंने क्या बताया, तो इंटरमीडिएट किया रहना चाहिए, 18 से 23 चाहिए जनरल का, यानी यूआर, उसी में आप देखिएगा 18 से लेके 23, 18 से 25 साल तक चाहिए ओबीसी, यानी BC1 BC2, और 18 से 28 साल जो एज होता है SC ST के लिए होता है, ये जो आपका एज होता है मेल फीमेल सभी के लिए होता है, ठीक। तो हम बात करते हैं आपका वनपाल का, वनरक्षक के बाद वनपाल, क्योंकि वनपाल का हमेशा सीट कम होता है, वनपाल जो होते हैं वनरक्षक से ऊपर होते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि कॉन्स्टेबल और ASI, ASI पर 1 स्टार होता है, उसी का पावर वनपाल आपको अनुभव करता है, बात ध्यान में रखिएगा, भले 2 स्टार होगा लेकिन पावर आपको ASI का अनुभव करता है, ठीक। पैसा भी उसी टाइप से मिलता है, भारत के नागरिक होना चाहिए वनपाल का, और इसमें आपको क्या होना चाहिए कि इसमें भी 10+2 होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट ही मांगता है, और जो ये मिलान किया जाता है आपका डेट ऑफ बर्थ वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। इसमें क्या होता है, इसमें उम्र जो होता है यूआर का, ये 18 साल से 25 साल तक होता है, वनरक्षक में 18 से 23 साल तक होता है, लेकिन इसमें 18 से 25 साल तक होता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी इसमें आरक्षण है, लेकिन एज में छूट नहीं होता है, ठीक। देखिएगा पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि ओबीसी जो दो भागों में है, इनके लिए आपको मेल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है इनका 18 से लेकर 27 तक, यानी मेल फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूं, इसमें कोई मेल और फीमेल का अलग अलग नहीं दिया हुआ है, ये मेल फीमेल सभी के लिए है, कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी BC1 BC2 दोनों के लिए 18 से लेकर इसमें 27 साल तक है, ठीक। बस यूआर में क्या कर दिया जाता है, इसमें आपको वनपाल में आपको 18 से लेकर 25 साल तक दे दिया जाता है, जबकि वनरक्षक में आप देखोगे यानी फॉरेस्ट गार्ड में 18 से लेकर 23 साल तक रहता है, बाकी सभी सेम है। SC ST के लिए आपको 18 से लेकर 30 साल तक है, सेम चीज आपको देखने को मिलता है, बाकी अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको 5 साल को छूट मिलता है, ऐसी चीज आपको ये चीज दिया हुआ है। बाकी इसमें क्या होता है आपको देखिएगा, हाइट में क्या होता है, तो निम्नतम ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, यानी SC और ST के मेल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, या आपको उनका 160 सेंटीमीटर होता है और बाकी के लिए 165 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा SC ST के लिए ही मात्र 107 सेंटीमीटर है, न्यूनतम सीमा वही आपको 79 से 81 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ता है। यहाँ पर भी सेम आपको फिजिकल होता है जैसा फॉरेस्ट गार्ड में होता है, यानी यहाँ फॉरेस्टर में भी, इसे वनपाल को फॉरेस्टर कहा जाता है, 4 घंटा में 25 किलोमीटर चलना होता है, ये मेल के लिए मैंने बता दिया। अब फीमेल के लिए क्या होता है, फीमेल के लिए ऊंचाई जो चाहिए 165 सेंटीमीटर चाहिए SC ST के लिए, माफ करना 155 सेंटीमीटर चाहिए SC ST के लिए, और अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए, तो हाइट में थोड़ा डिफरेंट ये देखने को मिलता है। हाइट कम करने के लिए भी बात कहा गया था कि हाइट कम से कम बिहार पुलिस के जैसा इसमें किया जाए, बाकी आयोग अपना मुझे लगता है कुछ जरूर बदलाव करेगा। यहाँ पर देखिए पैदल चलने की क्षमता जो है 4 घंटा में ये 14 किलोमीटर चलना होता है, यानी जस्ट लाइक आपको फीमेल को है 4 घंटा में 14 किलोमीटर, जस्ट लाइक आपको फॉरेस्ट गार्ड की तरह ही फॉरेस्टर का भी आपको फिजिकल है, बाकी जो हुई है हाइट वुट सब उसी की तरह है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको देखोगे अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सभी या देखो 10+2+3 ये प्रणाली तो लिखा है, लेकिन ये 10वीं समकक्ष लिखा दिया है, यानी कि 10वीं समकक्ष के भी इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ 10 से लेकर 11th में अगर जाते हैं, यानी कि अगर फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर दोनों की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको बाकी GK GS GK का लेवल तो ठीक है, आप अभी जो पढ़ाई करें ठीक है, लेकिन साइंस का लेवल कम से कम 11th तक आपको ले जाना
जाना होगा, ध्यान में रखिएगा, 11th तक ले जाना होगा। अगर 11th एनसीईआरटी तक आप लेकर चले जाते हैं, 9th 10th और 11th तक लेकर चले जाते हैं, तब आराम से बढ़िया से क्वेश्चन सभी का सभी कर पाइएगा। ये भी अलग अलग भाग में डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर दो स्ट्रीम होते हैं, एक मैथ होता है एक साइंस, यानी कि एक बायो होता है। मैथ बायो स्ट्रीम में यानी मैथ लोगे कि बायो लोगे, ये चीज आपको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पत्र 2 ही घंटे का होता है, एक प्रश्न पर 4 अंक मिलता है, 100 प्रश्न होते हैं, 100 से आप 4 में गुणा करोगे तो 400 नंबर का ये होता है, यानी 400 अंकों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। निगेटिव कितना होता है, 1/3 इसमें निगेटिव होता है, ध्यान में रखिएगा, 1/3 इसमें निगेटिव होता है। इसको देखोगे अलग अलग भाग में, इसको भी डिवाइड किया गया, यानी कि यहाँ पर देखोगे कि भाग 1 में जो है 15% सामान्य ज्ञान से संबंधित होते हैं, यानी जीके के समान ज्ञान, करंट अफेयर ये सब रहते हैं। 15% जो है तार्किक कौशल से यानी रीजनिंग से रहते हैं, यानी 15 क्वेश्चन आपको जीके अजीए यानी करंट अफेयर, 15 क्वेश्चन तुम्हारा तार्किक यानी आपको कह सकते हो रीजनिंग से होता है। ये 30 क्वेश्चन हुआ, 50% जो होता है ये भौतिक रसायन और जीव विज्ञान अथवा गणित पर आधारित होंगे। जीव विज्ञान या गणित में किसी एक विषय को, यानी आप इंटरमीडिएट करते हो ना जी, इंटरमीडिएट में या तो मैथ आपके साथ केमिस्ट्री फिजिक्स होगा, या आप बायो से किए होगे तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, यही दो चीज आप लिए होगे, यानी बायो लिए होगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री, या मैथ लिए होगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री, 10+2 किए होगे तो। इसमें भी वही चीज चूज करना होता है, इसमें भी क्या करना है तुमको, चूज करना होता है। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम मैथ लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों साथ आएगा, यह ध्यान में रखिएगा, अगर मैथ लेते हैं तो मैथ का क्वेश्चन होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, फिर बायो अगर चूज करते हैं तो बायो होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री का, टोटल इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। तो आप इससे अंदाजा आप लगा लो कि ज्यादातर फायदा किस, पिछली बार ज्यादातर इसका फायदा कौन उठाए, बायो वाले उठाए, क्योंकि बायो का क्वेश्चन जो था आसान था, 11th लेवल का था, लेकिन मैथ थोड़ा डिप चला गया था, ठीक, तो आप बायो वाले काफी ज्यादा अपना इसमें बाजी मारे। और ध्यान में रखिएगा इसमें भी पिछली बार हो या इससे पिछली बार, ये तो वनपाल का पिछली बार ही पहली बार भर्ती हुआ था 2020 में, अब फिर आपको भर्ती इसका दोबारा आ रहा है, इसमें भी कुछ कुछ आपको देखिएगा जगह पर गलत तरीके से एग्जाम लोग दिए थे तो वो चीज निकल कर आया था। ये ऑफलाइन एग्जाम होता है ओमर सीट पर, ध्यान में रखिएगा, तो आपको इसमें चूज करना पड़ता है। और बाकी जो क्वेश्चन होता है 20 क्वेश्चन, वो हिंदी से आपको और मतलब इंग्लिश से पूछा जाता है, 10% हिंदी से रहता है और 10% जो होता है इंग्लिश से रहता है। तो टोटल में यहाँ पर क्या मैं बता रहा हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है ये 15 है प्लस 15 है प्लस 50 है प्लस 20 है, और 20 में भी ये क्या है प्लस 10 है प्लस 10 है। यहाँ पर समझ लीजिए सिलेबस क्या होता है, 15 क्वेश्चन जीके करेंट अफेयर का होता है, फिर 15 क्वेश्चन रीजनिंग का आपका होता है, 30 हो गया, फिर 50 क्वेश्चन आपका मैथ साइंस, यानी आपको मैथ में लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या तो आपको चूज करना होगा बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, इस तरीके से। और 20 प्रश्न में 10 हिंदी का होता है और 10 का इंग्लिश का होता है, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, और इसी पैटर्न पर आपका एग्जाम लिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होता है, ये पहला एग्जाम है जो सीएसबीसी लेता है जिसमें निगेटिव मार्किंग भी है, फॉरेस्ट कट फॉरेस्टर दोनों का, तो मैंने दोनों बता दिया, दोनों 10+2 पर आ रहा है। बस इसमें आपको वनपाल यानी फॉरेस्टर में जो आपको 2 साल का छूट मिलता है यूआर का, बाकी आपको अदर जो भी कैटेगरी है उसका सेम है, वनपाल के लिए वन रक्षक दोनों के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक बात बता दिया, पर ये जो भी भर्ती आता है ये सीएसबीसी निकालता है। सीएसबीसी किसके अंतर्गत, ये टैब बनाया गया था फॉरेस्टर डिपार्टमेंट के अंतर्गत, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्ती आता है, और इसी सीएसबीसी के टैब पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी सिलेबस भी इसका देख सकते हैं, सिलेबस आपको ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो बड़ा कंफ्यूजी आ जाइएगा, सिलेबस आपको थोड़ा थोड़ कर देखिएगा, सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जाइएगा तो फॉरेस्ट कट फॉरेस्टर दोनों का सिलेबस दिया हुआ है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा एग्जाम लेता है, अच्छे से पैटर्न से आप तैयारी कीजिएगा। तो इसका भी एग्जाम सीएसबीसी बेहतर ढंग से लेने जा रहा है, और इसमें भी आप अपना परचम लहरा दीजिएगा, ठीक, अगर एज होगा तो। इसके छूट के बाद भी चल रहा है, और एज में मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर छूट देगा सीएसबीसी, और नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिलना चाहिए क्योंकि ये भर्ती बड़ी दिन बाद आ रहा है, ठीक। अब यही है कि लगभग 900 के 1000 के करीब आपको फॉरेस्टर का, फॉरेस्ट गार्ड का यानी कि वन रक्षक का है, और आपको लगभग 250 से 300 आपको जो भर्ती हो सकता है कि आपको वनपाल का हो सकता है, यही आपको कैपेसिटी ही है, बहुत कम भर्ती होता है इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, लेकिन जॉब मत है जबरदस्त है, इसमें जाकर पढ़ाई भी कर सकते हो, और काफी लड़के इससे मुझे संबंधित भी है, समय पर फोन भी करते हैं, अपने क्षेत्र के भी काफी लड़के जो हुए थे सेलेक्ट हुए थे, मेरा जो हुआ था 902 में रिजल्ट हुआ था, 902 में आप देखिएगा। तो इसका आपको फिजिकल जो मस्त होता है कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी ये वैसे लोगों के लिए है जो पढ़ाई करते हैं थोड़ा फिजिकल में कमजोर भी है, ये फिजिकल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। सही बात था, और जल्दी भर्ती आएगा, अपने तैयारी में आप लगे रहिएगा। इससे रिलेटेड जो है यूट्यूब पर मैं जल्दी ही आप क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा बुक लिस्ट आप अपना सकते हैं, लेकिन अभी मैं बता दूं कभी जिस तैयारी से आप बढ़ रहे थे उसी तैयारी से आप बढ़ते रहिएगा, रिविजन करते रहिएगा। और जो 21,391 वाले अभ्यर्थी है इसमें भी अपना परचम लहरा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक। तो मस्त जॉब है और जबरदस्त जॉब है, इसे ही बताना चाहता था। पेमेंट भी अच्छा खासा है इसमें और छुट्टी भी मिलता है, चिंता करने की जरूरत है नहीं, ठीक। यानी पुलिस की तरह ये भी जॉब है लेकिन थोड़ा शांति वाला जॉब है। तो आप लोग बताइएगा, अगर कुछ जानकारी और भी लेना होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, सही।